हेलो फ्रेंड्स, तो चलो अगेन थर्ड सेशन। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, एक सेशन हमारा और होने वाला है इंटरेस्ट का। तो लास्ट सेशन अब हम देखते हैं कुछ अलग वैरायटीज, मिक्स क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था, जिसमें सिंपल कंपाउंड सब आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 तक हुआ था लास्ट टाइम हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है पता नहीं है, सम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डोंट नो, ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, 20% पर एनम फॉर 3 ईयर्स पीरियड आपको दे दिया है। अब देखो यहां पे सिंपल भी मेंशन है एंड कंपाउंड भी मेंशन है, बराबर। मतलब यहां पे पीरियड टी भी आपको लेना है, एन भी लेना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के लैंग्वेज में पीरियड को हम टी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में पीरियड को हम एन बोलते हैं, बट दोनों का मीनिंग पीरियड ही है जो क्वेश्चन ने दिया है 3 ईयर्स। इज रुपीज 48, मतलब डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 48 दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। कुछ तो एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करूं एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करूं एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड 3 ईयर्स, तो उसका डिफरेंस आ रहा है 48 रुपीज। तो आपको बोला है फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, फाइंड दैट प्रिंसिपल। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, मतलब ये आपको दिया है 48, ये है वो कंडीशन जिसके बदौलत आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो आप में से काफी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन आ गया होगा, सर उसने तो कहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन आपने तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। उसने बोलते समय सिंपल एंड कंपाउंड बोला है, आपने कंपाउंड में से सिंपल माइनस किया, क्यों ऐसा किया? पहले सिंपल बोला था तो सिंपल लो माइनस कंपाउंड करो, ये चाहते हो ना आप? बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसने भला ही पहले सिंपल बोला हो, भला ही बाद में कंपाउंड बोला हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इफ पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज सेम, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपको पता होगा तो लास्ट सेशन, लास्ट टू लास्ट यानी सबसे फर्स्ट सेशन में, जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है बताया था, जब इंटरेस्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट सेशन में, जहां मैंने बताया था मेथोडोलॉजी की सिंपल इंटरेस्ट किस तरह अप्लाई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब मैंने ये डिफरेंस बताया था तब आपने देखा भी था कि हमने प्रिंसिपल सेम लिया था, सबसे फर्स्ट सेशन को याद करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लिया था, पीरियड सेम लिया था, स्टिल कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर ज्यादा आया था एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो कि जब उस सिचुएशन में जहां प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड ये तीनों सेम है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड ये अगर तीनों सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। भलाई उसने बोलते समय आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पहले बोला है, बाद में कंपाउंड बोला है डिफरेंस के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लॉजिक क्लियर है और आपने इसलिए जानबूझकर पहले कंपाउंड ही लिया बाद में सिंपल लिया, ठीक है। चाहे तो फर्स्ट सेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, जहां मैंने दोनों का बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट मेन इस पे अप्लाई होता है ओरिजिनल पे, कंपाउंड इंटरेस्ट लेटेस्ट पे अप्लाई होता है, और उस चक्कर में फॉर सेम प्रिंसिपल सेम पीरियड एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये ज्यादा आया था एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने ले लिया कंपाउंड माइनस सिंपल। तो फिनिश, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, पीरियड आपको पता है। अब देखो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग के अंदर में आपने जितने भी फॉर्मूलाज देखे वो सिर्फ किसके देखे, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, हाफ ईयरली क्वार्टरली ईयरली। तो बट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला हमने बोल दिया था कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, जो भी अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट ये बन गया। चलो मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अब देखो अमाउंट मतलब क्या, अब आप बोलोगे सर अमाउंट तो 3 टाइप की हमने देखी थी, 3 क्या, मैंने कहा था उसमें मंथली भी हो सकता है, लेकिन एक चीज और गई थी कि क्वार्टरली हाफ ईयरली ये सब तब लेना है जब क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा ये अमाउंट एन्युअली। सो एन्युअली का फॉर्मूला क्या है, पी 1+R/100 रेस टू एन माइनस ये पी एज इट इज।
तो देखो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने एक नया फॉर्मूला बना लिया। पी दोनों जगह कॉमन ले लो, पी आपने कॉमन ले लिया तो क्या बना फॉर्मूला, ये ब्रैकेट एज इट इज माइनस ये पी बाहर आ गया, यहां बचा वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज एन्युअली। अगर हाफ ईयरली होता तो यह हाफ ईयरली का फॉर्मूला लेते थे और पी कॉमन ले लेते थे। क्वार्टरली होता तो यह क्वार्टरली का फॉर्मूला ले लेते थे, यानी डिवाइड बाय फोर आर को और मल्टीप्लाई बाय फोर एन को। ठीक है, बस उतना सा चेंज करते थे, बाकी तो पी कॉमन दोनों जगह आना ही है। सो पी को कॉमन लेके आपको फॉर्मूला मिल जाता था। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का भला ही हमने फॉर्मूला लिया नहीं था, लेकिन आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो उसका भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो, दिखा दिया। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पी को कॉमन ले लिया, ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यही से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्या बनाया हमने फॉर्मूला, पी 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन माइनस 1 माइनस। अब आया सिंपल, ये तो सिर्फ क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन हमें क्वेश्चन ने हिंट क्या दिए, कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस। सो उसका फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100 इज 48। अब देख लो मैं क्या कॉमन लेता हूं, फिर से पी यहां पर भी है, पी यहां पर भी है, तो पी को कॉमन ले लेता हूं और बाकी सब वैल्यूज रखना शुरू करता हूं। सो पी को कॉमन ले लिया, क्या बचा, अब मैं पी इन दोनों में से ले रहा हूं। यहां तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाने के लिए यहां यहां से पी कॉमन लिया ही था, अब पी कहां से कॉमन ले रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में से भी और सिंपल इंटरेस्ट में भी पी है, और दोनों का पी सेम है यानी प्रिंसिपल सेम है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया बस 1 प्लस। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, एन यानी पीरियड भी 3 इयर्स ही है, माइनस, ठीक है ये माइनस वन तो ठीक है, माइनस, अब मैंने पी दोनों में से कॉमन ले लिया ना, तो पी अगर बाहर आ गया क्या बचा, सिर्फ आर इंटू टी अपॉन 100, तो आर है 20, टी है, टी बोलो या एन बोलो दोनों सेम ही है, 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 48। क्लियर हुआ कैसे बना, पी दोनों जगह था कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस आर के जगह आर की वैल्यू, एन के जगह एन की वैल्यू, माइनस 1 माइनस, पी मैंने यहां से भी कॉमन लिया है तो बचा सिर्फ आर की और टी की वैल्यू अपॉन 100 इज 48। तो पी आपको निकालना है, पी निकालने के लिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, अगेन 1 प्लस ये क्या हो गया 25000 और 1 बाय 5 कितना होता है 0.2, 21 20 25 100, सो 1 प्लस एज इट इज 1 बाय 5 होता है 0.2 उसका क्यूब माइनस 1 माइनस 20 बाय 3 60 बाय 100 इज 48। सो अगेन 1 प्लस 0.2 1.2 का क्यूब माइनस 60 बाय 100 कितना हुआ, दो जीरो को गायब करना है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल दे दो यानी 0.6, तो यानी यहां का माइनस एज इट इज और 60 बाय 100 हुआ 6 by 10.6। अब ये तो इजी है, डायरेक्ट जीरो जीरो भी आप कैंसिल कर लो तो 6 by 10.6 होता है, या फिर हमारा लॉजिक दो जीरो गायब करना है तो दो डिजिट के पहले डेसिमल चिपका दो, सो दो डिजिट के पहले यानी 0.6, 60 बोलो या 6 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज 48। ठीक है, सो फिनिश। अब 1.2 का क्यूब आप ऑलरेडी लास्ट सेशन में दो बार देख चुके हो 1.2 का, खैर अब तक तो मैंने सोच लिया कि आपने शायद ये चीज अब तक बाय हार्ट कर ली होगी, बहुत बार यूज हो गया, 12 क्यूब इज 1728 बट हमें चाहिए 1.2। सो 1.2 मतलब 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, सो डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद, टोटल मल्टीप्लीकेशन में काउंट कर लो, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, और इसलिए आपको 1.2 का क्यूब होना है, तो 12 क्यूब ये होता है। सो 1.2 का क्यूब क्या, टोटल मल्टीप्लीकेशन में तीन डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए तीन डिजिट के पहले डेसिमल चिपका दो, 1 2 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो राइट टू लेफ्ट तीन डिजिट काउंट करो उसके पहले डेसिमल चिपका दो, तो 1.728। सो देख लो पी 1.2 क्यूब 1.728 माइनस 1 माइनस 0.6 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 48। ठीक है, सो पी 1.728 माइनस 1.6 0.128 खत्म। अब पी निकालना है, पी को अकेला करो, 0.128 उधर जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा डिवाइड कर लेगा, यह 0.128 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड करेगा, तो देखो यहाँ डेसिमल के बाद तीन डिजिट है तो अगर डेसिमल को हटाना है तो दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करो, यानी एक पे उतने जीरो जितने यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद डिजिट दिख रहे हैं, सो अगर मैं दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 48000,
और यहां पे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लूं तो तीन जीरो के वजह से तीन डिजिट जो है 128 वो डेसिमल के इधर आ जाएगा, यानी डेसिमल का है 128, खत्म। अब इसको सॉल्व करो, 8 1 16 16 16 2 16 3 4 8 12 0 16 7 16 7 112 अगain 8 pe 0 16 5 80. This is the principle. कैसे कैलकुलेट किया? तो यहां तक तो मैंने दोनों को पहले 8 से डिवाइड कर लिया, तो 8 को जब मैं 128 से डिवाइड कर रहा हूं, 128 डिवाइड बाय 8 16 आया, 8 1 8 4 पे 8 कैरी किया, 8 6 48, अगेन 8 को जब इससे किया 6000 आया ना, 6000 अपॉन 16, 16 का टेबल डेफिनेटली आपको बाय हार्ट होना चाहिए, इसलिए ओरली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 16 3 48 कितना हुआ, 12 पे एक जीरो कैरी किया ये वाला, सो 16 7 112, 8 पे लास्ट वाला जीरो कैरी किया, 16 5 80, खत्म। बट इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अगर आपका टेबल बाय हार्ट है तो वही आंसर आ जाएगा। सो प्रिंसिपल निकला 375। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ने मिक्स क्वेश्चन दिया था जिसमें सिंपल भी था, कंपाउंड भी था, प्रिंसिपल पूछा था, आर दिया था, टी और एन यानी पीरियड दिया था, टी फॉर सिंपल, एन फॉर कंपाउंड, और डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड बोला था, बट हमने जानबूझकर लेते समय कंपाउंड पहले लिया, सिंपल बाद में लिया, क्योंकि पी आर और पीरियड सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना लिया इस तरह, कुछ भी मेंशन नहीं था, मतलब बाय डिफॉल्ट एनुअली है, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट का तो हमें पता ही है, इन दोनों में से फिर से पी कॉमन लिया, वैल्यूज रखी 1.2 क्यूब, तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा, फिर भी मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था वैसे आपको करके एक बार दिखा दिया है। उसके बाद ये एज इट इज क्यूब माइनस वन माइनस 0.6, सो ये माइनस माइनस का रूल आपको पता है, जब भी माइनस माइनस रहा एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, मल्टीप्लीकेशन है तो, लेकिन माइनस माइनस में एडिशन है तो एडिशन तो होगी लेकिन आंसर निगेटिव ही आएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है बट माइनस माइनस का एडिशन निगेटिव आता है। सो यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है पॉजिटिव आने के लिए, यहाँ पे क्या है एडिशन है, सो डेफिनेटली 1 और 0.6 हुआ 1.6, लेकिन दोनों माइनस माइनस है इसलिए माइनस 1.6। बस कैलकुलेट किया, यहाँ तीन डिजिट है इसलिए उसको हटाने के लिए डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतना एक पे जीरो रख दो, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो एक पे अगर मैं तीन जीरो रखूँ तो उसको क्या बोलते हो, 1000, फिनिश। ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 48000, और यहाँ के भी 1000 से मल्टीप्लाई करने की वजह से डेसिमल गायब हो गया, 8 से पहले डिवाइड किया 6000 अपॉन 16, उसको रिड्यूस किया, 375 इज द फाइनल आंसर, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ये था 17th क्वेश्चन, ऑप्शन सी। लिख लो, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक ऑन ₹400, जिस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, फॉर 2 इयर्स, पीरियड आपको दे दिया 2 इयर्स, इज रुपीज 4, मतलब डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट दिया है,
अब अगर आप ठीक से क्वेश्चन देखोगे तो अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, ना ही सिंपल मेंशन किया है ना ही कंपाउंड. अब मैंने क्या कहा है, ये सेशन में हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी वैरायटीज बची है जिसमें मिक्स भी हो सकती, जो इसके पहले का क्वेश्चन था सिंपल कंपाउंड दोनों आया. कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जहां सिंपल कंपाउंड कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है, तो आपको लॉजिक लगाना है क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन है. तो यहाँ वही वो क्वेश्चन है, यहाँ आपको बोला है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, ना ही सिंपल ना ही कंपाउंड, रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक ऑन रुपीज, जिस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल है फॉर टू ईयर, यानी ये पीरियड हो गया, इज रुपीज 4. अब मुझे बताओ, मैंने एक रूल आपको सेकंड सेशन में लिख कर दिया था कि इंटरेस्ट में जब भी आपको सिंपल या कंपाउंड मेंशन रहा तो बहुत अच्छा, लेकिन जब जब नहीं रहा तो बाय डिफॉल्ट वो क्वेश्चन किस चीज का है, सिंपल इंटरेस्ट. तो ये क्वेश्चन वही हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट बोल दिया, ना ही सिंपल ना ही कंपाउंड, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो खत्म. ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट किसका है, सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट में जो पीरियड होता है वो टी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टी ले लिया, 2 years, पी है प्रिंसिपल 400. और डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज 4 rupees. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो दो बैंक है, सो दोनों बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होंगे. फर्स्ट बैंक आपको R1 चार्ज कर रही है, दूसरी बैंक R2 चार्ज कर रही है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2. तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस. फर्स्ट बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर रही है R1%, सेकंड बैंक अप्लाई कर रही है R2%. तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R1 माइनस R2, ये आंसर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है. ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये हमने लॉजिक देखा है. सो पी दे दिया है, टी दे दिया है, और क्या दे दिया है, वो हिंट जिसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट, दो बैंक तो दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, ये बैंक से इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला, दूसरी बैंक से इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला, दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है उसका एक्चुअल डिफरेंस रुपीज 4. ये हिंट से आपको ये मिल जाना चाहिए. शुरू करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. लेकिन देखो पी तो दोनों का सेम ही है प्रिंसिपल, पीरियड भी दोनों का सेम ही है टी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, मतलब पक्का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है. पी एक ही दे दिया, टी एक ही दे दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्वेश्चन खुद पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है. तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं R1 बोल देता हूँ, माइनस पी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हमने ऑलरेडी मेंशन किया ही है, टी तो सेम है, इज 4. ठीक है, सो देख लो पी कितना है, 400, R1 और टी 2, 400 R2 टी 2 अपॉन 100. सो दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट कैंसिल आप कर सकते हो. यहाँ पे हुआ 8R1 माइनस 8R2 अपॉन 4. दोनों में से 8 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो R1 माइनस R2, 8 को कॉमन ले लिया, फिनिश. यही तो चीज आपको निकालनी थी, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस ही आपका यहां देखो बन गया R1 माइनस R2, यही कैलकुलेट करना है. तो जो कैलकुलेट करना है उसको अकेला करो, 8 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेगा. सो R1 माइनस R2 इज 4/8, यानी 0.5, फिनिश. डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, 0.5, ऑप्शन ए. और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए हमेशा रहेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंट. बहुत इजी क्वेश्चन, लिख लो. ये था क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, तो काफी छोटा इजी सा क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. बस अब चीजों को समझो, वैरायटी समझो, खत्म, इसमें और कुछ है ही नहीं. अब क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 8000 अमाउंट टू रुपीज 40000. मतलब अगर मैं किसी को 8000 दूंगा यानी प्रिंसिपल, तो बदले में मुझे 40000 देगा यानी अमाउंट, यानी प्रिंसिपल दे दिया है, अमाउंट दे दिया है एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एट व्हाट टाइम पूछा है, यानी टी पूछा है, और आपको क्या बोल दिया ब्रैकेट में, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड. सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, अगर नहीं भी मेंशन होता था तो भी हम बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट ही करते थे, क्वेश्चन साइलेंट है तो, बट क्वेश्चन ने बोल ही दिया है तो खत्म. आपको अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है ये पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जनरलाइज्ड है, इंटरेस्ट कोई भी हो, सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ये फॉर्मूला जनरलाइज्ड है। सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, इंटरेस्ट हमेशा कैसे निकलता है, एक जनरलाइज फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देख लो अमाउंट कितना निकला है 40,000, प्रिंसिपल कितना है 8,000 इज सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 32,000। सो 32,000 ये सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो, पी आर टी अपॉन 100। आपको आर पता है, पी पता है, टी पता है, टी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, इसलिए तो मैंने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला ना, ताकि ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं। ठीक है, और इंटरेस्ट का ये जनरलाइज फॉर्मूला है, मेंशन करो चाहे ना करो, सिंपल के केस में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड के केस में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल का है, इसलिए अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट। तो 32,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 8,000 इंटू आर, 4 टी निकालना है, 0,0 कैंसल, 80 इंटू 4 320 टी फिनिश, टी इज इक्वल टू 32,000 अपॉन 320, 0,0 कैंसल, 3200 को 32 से डिवाइड कर लो, बच्चा भी बता देगा आंसर क्या आएगा 100, और टी मतलब हमेशा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, 32 और 0,0 एज इट इज, सो 100 ईयर्स लिख लो। छोटे छोटे क्वेश्चन, बस लैंग्वेज क्लिक हो जाए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब आप पूरी तरह फैमिलियर हो चुके हो उस पूरे चैप्टर से, तो फटाफट अब हम बस क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ सम ऑफ मनी बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 6 years। मतलब सम ऑफ मनी, अगर मैं किसी को पी अमाउंट देता हूं तो बदले में मुझे कितना देता है, 7/4 टाइम्स ऑफ, मैंने इसको जितना अमाउंट दिया उसका 7/4 टाइम्स, मतलब मैंने उसको 1,000 दिया तो 7/4 ऑफ 1,000 मुझे रिटर्न करेगा एज अ अमाउंट। अगर मैंने उसको 1,000,000 दिया एज अ प्रिंसिपल तो 7/4 टाइम्स ऑफ 1,000,000 वो मुझे रिटर्न करेगा एज अ अमाउंट। ठीक है, तो मैं अब ना ही 1,000 ना ही 1,000,000 एज्यूम करते हुए एक जनरल वर्ड एज्यूम कर लेता हूँ, जिसको हम जानते ही है, जो हम देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट। तो सपोज मैंने उसको अगर प्रिंसिपल पी दिया, यानी मैंने इन्वेस्ट कितना किया पी रुपीज, तो बदले में मुझे कितना दे देगा रिटर्न, मतलब मेरा पैसा प्लस इंटरेस्ट मिलाकर, मेरा पैसा प्लस इंटरेस्ट मिलाकर हम उसको बोलते हैं अमाउंट, तो बदले में मुझे कितना दे देगा। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 7/4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है, सम ऑफ मनी बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ, अमाउंट कितना हो जाता है, जितना दिया उसका 7/4 टाइम्स, जितना दिया उसका 7/4 टाइम्स, तो मैंने उसको पी दिया तो मुझे अमाउंट कितना मिला, 7/4 टाइम्स ऑफ पी इन 6 years एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस ये निकालना है, और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है, सिंपल कंपाउंड कुछ भी नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट सिंपल। सो अगेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये जनरलाइज फॉर्मूला इंटरेस्ट का, सिंपल है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल ले लो, कंपाउंड है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड ले लो, ये जनरलाइज है। अब क्वेश्चन ने सिंपल कंपाउंड कुछ नहीं बोला, मतलब हमें ये भी पता है कि बाय डिफॉल्ट सिंपल है। सो अमाउंट हमें पता है कितना मिल रहा है हमें, जितना भी दो उसका 7/4 टाइम्स, जितना दिया उसमें वो और मार्जिन ऐड कर करके, यानी जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं वो ऐड कर करके हमें रिटर्न कितना दे रहा है, 7/4 टाइम्स ऑफ उतना जितना हमने उसको दिया था,
यानी उसको पी दिया तो बदले में सब मिलाकर उसने हमें कितना दिया, 7/4 टाइम्स ऑफ पी, यानी वो हो गया अमाउंट। सो अमाउंट हो गया 7/4 टाइम्स ऑफ पी, पी हो गया पी, ये सिंपल इंटरेस्ट। सो अगेन अब मैं इन दोनों में से पी को कॉमन ले लूं तो क्या मिला, 7/4 यहाँ पे एज इट इज माइनस, ये पी बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1। अगेन एक चीज आपको पता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है डिनोमिनेटर, तो यहाँ सिर्फ 1 आया था क्योंकि पी पूरा बाहर चला गया, तो 1/1 मैं लिख सकता हूं। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 - 1 = 7, 4 - 2, 7 × 4 = 7 × 1 = 7 क्रॉस माइनस, इसलिए माइनस, 4 × 1 = 4 / 4 × 1। सो देख लो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 7 - 4 = 3/4 टाइम्स ऑफ पी, 3/4 टाइम्स ऑफ पी एज इट इज। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, सिर्फ फर्क क्या है, तो ये थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में है, 7/4, तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसलिए मैं ले रहा हूं कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी आया तो कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट है, ये मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो बस इस टाइप का वाक्य हम देख चुके हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 3/4 टाइम्स ऑफ पी, फिनिश। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लो, पी आर टी अपॉन 100, आर आपको निकालना है, टी आपको पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको मिल गया है। पहले आपने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पी, आर निकालना है, टी है 6/100, देखो पी पी कैंसल, क्या बचा, 3/4 = 6R/100, खत्म, 6R। अब जो निकालना है उसको अकेला करो, R निकालना है, R को अकेला करो, ये 6/100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। R निकालना है, R को अकेला करो, 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर लेगा 3/4 को, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर लेगा, ठीक है। इन शॉर्ट जो भी आपको निकालना है उसको अकेला करो, और ये जो 6/100 फ्रैक्शन फॉर्म में, उसने साइड चेंज की, यानी वो LHS में गया, तो 6/100 हो जाएगा 100/6, ये चीज हम देख चुके हैं। सो ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, 4 से 100 को डिवाइड किया तो, सो फाइनल 25/2 12.5 आर, इसलिए इन टर्म्स ऑफ परसेंट, सो आर आपको मिला 12.5%, ऑप्शन बी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देना। 3 persons, अमर, अकबर एंड एंथोनी, इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। 3 लोग हैं, अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट, हर एक का प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग है। So, 3 लोग, अमर, अकबर, एंथोनी, ठीक है, देखते हैं तीनों का क्या क्या डेटा दिया है। तीनों का प्रिंसिपल तो अलग है, इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट, जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो वो अलग है। फॉर 1 ईयर, मतलब चलो तीनों का पीरियड तो सेम है, इसका भी पीरियड है 1, इसका भी पीरियड है 1, इसका भी पीरियड है 1, ठीक है। फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, पूरे लाइन को एक साथ में बोल दिया है कि भाई इन्वेस्ट तो डिफरेंट अमाउंट की है, लेकिन फॉर 1 ईयर की है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% की है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, 12% 12% और 12%, फर्क है तो सिर्फ क्या है, प्रिंसिपल अलग अलग है, बाकी तीनों ने एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तीनों ने 12% जो है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्लाई किया है। Now, per annum and earn a total interest of rupees 3240, total interest,
मतलब ना ही अमर का दिया, ना ही अकबर का अलग से, ना ही एंथनी का, इन सब का मिलाकर टोटल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है 3240 एट द एंड ऑफ ईयर। इफ मतलब देखो क्वेश्चन की हिंट क्या है, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3240, मतलब अमर की वजह से जितना इंटरेस्ट मिला, अकबर की वजह से जितना मिला और एंथनी की वजह से जितना मिला, तीनों का एडिशन, यानी सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू अमर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू अकबर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू एंथोनी, मिलाकर 3240। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने आर तो क्लियरली दे दिया था कि सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है उस बैंक में, पीरियड भी क्लियरली दे दिया था फॉर वन ईयर। अब जो बोला था कि प्रिंसिपल अलग है वो आपको हिंदी है, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर इज रुपीज 5000 मोर देन दैट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर, अमर ने जितना भी इन्वेस्ट किया है उससे 5000 ज्यादा अकबर इन्वेस्ट कर रहा है, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एंथनी इज रुपीज 2000 मोर देन दैट ऑफ अकबर, अकबर ने जितना इन्वेस्ट किया है उससे 2000 ज्यादा एंथनी कर रहा है। मतलब देखो क्वेश्चन ने किस तरह से गुगली फेंकी है कि, और बहुत आसान, आप आराम से उसको खेल सकते हो। अकबर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, जितना अमर कर रहा है उससे 5000 ज्यादा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं अमर इन्वेस्ट कर रहा है रुपीज एक्स, तो अकबर कितना करेगा, प्रिंसिपल ऑफ अकबर रुपीज एक्स और उससे 5000 ज्यादा, यानी एक्स प्लस 5000 रुपीज। और क्वेश्चन ने यह भी बोल दिया कि एंथोनी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 2000 मोर यानी ज्यादा देन दैट ऑफ इन्वेस्टेड बाय अकबर, अकबर ने जितना इन्वेस्ट किया है, देखो पीरियड सेम है इसलिए मैंने सिर्फ टी 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 ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है इसलिए आर 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 ले लिया, आर वन आर टू आर थ्री टी वन टी टू टी थ्री नहीं लिया, लेकिन प्रिंसिपल अलग है इसलिए मैं पी वन पी टू पी थ्री ले रहा हूं। क्वेश्चन की सबसे बड़ी लाइन कि अकबर ने कितना इन्वेस्ट किया अमर से 5000 ज्यादा, तो कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो मैंने अमर का एज्यूम कर लिया रुपीज एक्स, तो बाय डिफॉल्ट अकबर का कितना आ गया, जितना अमर का एक्स प्लस 5000 ज्यादा। क्वेश्चन ने और एक लाइन बोली है कि एंथनी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, जितना अकबर कर रहा है उससे 2000 ज्यादा, तो अकबर कितना कर रहा है, x प्लस 5000, तो जितना अकबर कर रहा है रुपीज 2000 मोर देन दैट ऑफ अकबर, तो उससे 2000 ज्यादा, मतलब घूम फिर कर ये कितना बना, x प्लस 5 प्लस 2 7000। क्लियर, ये बन गया प्रिंसिपल P3 यानी इन्वेस्टेड बाय एंथनी। और अब क्वेश्चन की ये मेन हिंट कि टोटल इंटरेस्ट इस पूरे चक्कर में मिला 3240। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर, तो बताओ अकबर ने कितना इन्वेस्ट किया, अकबर ने कितना इन्वेस्ट किया है, सिंबल के फॉर्म में क्या आया है, एक्स प्लस 5000, बस ये निकालना है आपको, बट ये निकालने के लिए पहले एक्स निकालना जरूरी है, जो एक्स आया उसमें 5000 ऐड कर दो, फिनिश। सो सिंपल इंटरेस्ट बाय अमर फॉर्मूला आपको पता है, पी आर, मतलब अभी चलो फॉर्मूला पहले मैं लिख लूं, अगर तो अमर को मैंने प्रिंसिपल को क्या कहा है, पी वन आर टी तो सेम ही है अपॉन 100, अकबर के प्रिंसिपल को कहा है पी टू आर टी तो सेम ही है अपॉन 100, एंथोनी के प्रिंसिपल को कहा है पी थ्री आर टी तो सेम ही है अपॉन 100, 3240। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय 100, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्रिंसिपल कितना है x, r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ अमर का सोचो अब 12 और 1, 100 तो कैंसिल हो गया है, प्लस चाहे तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले 100 लिख लो बाद में उसको कैंसिल कर लेंगे, पी टू कितना है, x प्लस 5000, r तो पता ही है 12 पीरियड 1 अपॉन 100 लिख लो, एंड पी थ्री कितना है, x प्लस 7000, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, r तो है 12 सबका सेम, पीरियड भी सबका सेम अपॉन 100 इज इक्वल टू 3240। ठीक है, अब क्या कर लो, 12 इंटू एक्स इंटू 1 12x प्लस 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 1 12, सो 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो 12x प्लस 12 इंटू 5000 60000। ठीक है, प्लस अब 12 इंटू 1 12 अगेन 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो 12x प्लस 84000, 12 इंटू 7000 कितना होता है 84000, और साथ ही में मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ इंटू 100 कैंसिल, यहाँ इंटू 100 कैंसिल, यहाँ इंटू 100 कैंसिल, और यहाँ इंटू 100, यानी क्या बन गया 3240 इंटू 100 यानी और 20 324000, फिनिश। 12x प्लस 12x प्लस 12x कितना हुआ 36x इज इक्वल टू 60000 प्लस 84000 कितना होता है 1,44,000,
मतलब एक्स एक्स के टर्म का अलग से एडिशन, इनका दोनों का कॉन्स्टेंट का अलग से एडिशन इज इक्वल टू 324,000. फिनिश. सो देयरफॉर 36x एज इट इज 144,000 उधर गया, माइनस हो जाएगा. सो 324,000 माइनस 144,000. सो ये मिला आपको 180,000 36x. सो x निकालना है तो उसको अकेला करो, 36 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या कर लेगा, डिवाइड. सो 180,000 अपॉन 36. ठीक है. सो आपको पता है 18 से अगर आप पहले डिवाइड कर लो तो 18 ones are 1, 0000 as it is. 18 2s are 36. Now 10,000 upon 2, 5,000 is the answer. But गलती से भी 5,000 अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो उस पर टीक मत करना, क्योंकि 5,000 आंसर नहीं है. 5,000 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x का आंसर है. बट क्वेश्चन ने x का पूछा ही नहीं है. x मतलब कौन है, अमर. क्वेश्चन ने किसका पूछा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर. मैक्सिमम स्टूडेंट x आ गए, खुश हो गए, ऑप्शन में देखा अरे मैच हो गया, 5000 आया, 5000 आया, टिक कर दी. लेकिन इतना सब इतना अच्छी से कर लिया, दो सेकंड थोड़ा सा और अलर्टनेस यूज करते थे तो क्वेश्चन आपको अकबर की इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है. एक्स निकाल के सब खत्म नहीं हुआ है, एक्स तो हुआ है अमर की. हाँ, अमर की इन्वेस्टमेंट पूछता तो खत्म, 5000 आंसर था. लेकिन क्वेश्चन आपको अकबर की पूछ रहा है. अकबर की देख लो कितना आपने इन्वेस्ट किया है, अकबर का आपने लिया है पी टू. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर आपने क्या बोला है, एक्स प्लस 5000. सो एक्स आया हमारा 5000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, एंड प्लस 5000 एक्स मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर. अकबर कितना कर रहा है, उससे 5000 और ज्यादा. सो एक्स आया 5000 प्लस 5000, सो 5 + 5 = 10,000 इज द आंसर. तो ऑप्शन में जहां पर भी 10,000 दिख रहा है वहां टिक करो, 5000 पे नहीं. ये आया अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर. बस इसी को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल बाय अकबर. ठीक है. तो लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन 5 लाइन का, लेकिन अगेन सॉल्यूशन में वही थीम, वही कंसेप्ट. मैंने कहा ना, घूम फिर कर सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट वही अप्लाई होना है, सिर्फ फर्क पड़ेगा. तो अब वैल्यूज में लिख लो. ये था क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. सो क्वेश्चन नंबर 22 देखो. हर्ष मेक्स अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹20,000, मतलब उसने जो इन्वेस्ट किया है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, 20,000 विद द बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. पीरियड आपको दे दिया है 3 years. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 13% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब देखो क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट. तो अब आपको बोला है
हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 13% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम चार्ज्ड हाफ ईयरली। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है और वो किस तरह अप्लाई हो रहा है, हाफ ईयरली अप्लाई हो रहा है। तो अब आपको बोला है व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 42 मंथ, मतलब अमाउंट आपको पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में दो नई बातें आप सीखोगे, दो ट्विस्ट है। सबसे पहले एक ट्विस्ट तो सेटल हो गया, क्योंकि एक ट्विस्ट के बारे में हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, ये फर्क पड़ता है, इन वर्ड से फर्क पड़ता है, लेकिन कहां पर? सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 1,000 रुपए पे 10% के हिसाब से अगर एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा, 10%, 100, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 प्लस 1,000, 1,100। वही 1,000 रुपए पे सेम प्रिंसिपल 10% अगर मैं आधे आधे साल के लिए अप्लाई करूं, मतलब पहले 5% तो उस पर कितना मिला, 500 रुपया, ठीक है, 50 रुपया। सो 50 रुपया कितना हो गया, 1,050। ये हुआ फॉर हाफ ईयर। और फिर अगेन अगले आधे साल के लिए, यानी अगेन टोटल इंटरेस्ट है 10%, उसको मैंने आधे आधे साल, 10% क्या है, पूरे पर एनम, पूरे साल का, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। तो वो पूरे साल के लिए अप्लाई किया तो एक साल के बाद मिल रहा है अमाउंट 1,01,100, 1,100 रुपीज। वही 1,000 पे अगर मैं हाफ हाफ ईयरली करूं तो ये 10% दो टुकड़ों में गया, 5% 5%, तो ये 5% अप्लाई हुआ 1,000 पे, बट इन सिंपल इंटरेस्ट 5% 5% 5% अगर मैं 100 बार भी अप्लाई करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है, प्रिंसिपल, मेन ओरिजिनल प्रिंसिपल, यानी इस पर, ठीक है। तो ये 5% भी अप्लाई हुआ इस पर, ये 5% भी अप्लाई होगा इस पर। सो 5% ऑफ 1,000 अगेन कितना हुआ, +50। सो अगेन 1,050 प्लस 50, 1,100, ये मिला आपको अगले 6 महीने बाद, यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर। पहले 6 महीने बाद आपको मिला 1,050, अगले 6 महीने बाद आपको मिला 1,100, 1,100, यानी 6 मंथ 6 मंथ, टोटल एक साल के बाद आपको कितना मिल रहा है, अगर आप आधे आधे साल के बाद भी इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो 1,000 का आपको मिल रहा है 1,100 आफ्टर फर्स्ट ईयर। उसी तरह अगर आप आधे आधे साल का अप्लाई ना करते हुए, हाफ हाफ ईयरली अप्लाई ना करते हुए, पूरा ईयरली वन टाइम अप्लाई कर रहे हो, फिर भी 1,000 का कितना मिल रहा है, 1,100। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही अप्लाई होता है, और इसलिए ये वाला ट्विस्ट तो यही सेटल हो गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, इससे चीजें बदलेगी सिर्फ अगर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो। अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने दिया है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अंडर सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने क्लियर सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है, अंडर सिंपल इंटरेस्ट ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली कोई भी मायने नहीं रखता है। क्लियर? तो अब देखेंगे हम, पी आपको दे दिया है क्वेश्चन ने 20,000, इतना इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 13% और अमाउंट पूछा है। आप बोलोगे सर एक ट्विस्ट तो आपने बता दिया, एक ट्विस्ट तो आपने बता दिया, हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट में ये कोई मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने दिया है, इससे चलो इस चीज को हमने इग्नोर कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट होता डेफिनेटली इससे हम अलग फॉर्मूला, अलग एंगल से सोचते थे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये चीज गई। बट दूसरा ट्विस्ट क्या है, दूसरा ट्विस्ट देखो उसने क्या बोला है, सबसे लास्ट लाइन, व्हाट विल बी द अमाउंट ही शुड गेट एट द एंड ऑफ आफ्टर 42 मंथ, कितना अमाउंट उसको मिलना चाहिए आफ्टर 42 मंथ, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। मुझे बताओ टी है 3 इयर्स, ये क्वेश्चन ने पहले कहा था कि उसने क्या किया, हर्ष के दिमाग में आया कि चलो यार 20,000 पड़े घर पे तो बेटर है, कुछ उससे इंटरेस्ट मिल जाएगा, मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में वो गया, 20,000 रुपये उसने रख दिए 3 साल के लिए, 3 साल के लिए रखे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 13%, वो बैंक हाफ ईयरली चार्ज करती है, बट फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट में हाफ करो, ईयरली करो, मंथली करो, तो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसने सोचा चलो 3 साल के लिए 20,000 घर में पड़े पड़े, उससे तो कुछ पैसा और मिल जाएगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, रख देता हूँ, 3 साल के लिए उसने रखा। लेकिन अचानक से 3 साल के बाद जैसे ही वो चीज मैच्योर्ड हुई, 3 साल जैसे ही खत्म हुए, उसको लगा यार 6 महीना अभी भी कुछ काम नहीं है, ठीक है ना, 3 साल यानी कितने मंथ,
3 years यानी 36 months. एक साल होता है 12 महीने का, सो 3 साल यानी 12 into 3, 36 months. 12 plus 12 plus 12. बट 36 months में उसको वो अमाउंट लेकर आना था, लेकिन उसने सोचा अभी भी कुछ काम नहीं, मुझे पैसों का काम है और 6 महीने बाद. 36 months हो चुके, 3 साल हो चुके, बट उसको पैसों का काम है और 6 महीने के बाद. अभी लाऊंगा फालतू खर्चा हो जाएंगे, काम करता हूं मैं इस चीज को और एक्सटेंड कर देता हूं 6 महीने तक. इस फिक्स डिपॉजिट को, उसने फिक्स डिपॉजिट रखा है, इस फिक्स डिपॉजिट को मैं एक्सटेंड कर लेता हूं और अगले 6 महीने तक. मतलब पीरियड यहां पर 3 years आपको अगेन कंफ्यूज करने दिया है. अगर आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ोगे, व्हाट विल बी द अमाउंट ही शुड गेट आफ्टर 42 months, यानी पीरियड आपको लेना है 42 months. 42 मंथ को अगर ईयर के फॉर्म में करूं, 42 मंथ को मैं इस तरह कर सकता हूं, 36 मंथ प्लस 6 मंथ. सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है, 42 के टुकड़े किए, 36 प्लस 6 36 प्लस 6 42 ही होता है. बट 36 मंथ मतलब क्या, 3 years, प्लस 6 मंथ मतलब क्या, हाफ ईयर. 6 मंथ मतलब आधा साल, 6 महीना यानी हाफ ईयर. सो 3 years प्लस 0.5 years, दोनों ईयर के फॉर्म में हो गए. अब दोनों का आप ऐड कर सकते हो, 3 plus 0.5 3.5 years. ठीक है, तो पहला ट्विस्ट हाफ ईयरली, जो कि कोई एंगल से ट्विस्ट नहीं था, उसका डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली कोई मैटर ही नहीं करता. बट हाँ, दूसरा क्वेश्चन का मजेदार ट्विस्ट, क्वेश्चन ने आपको पहले बोला था उसने 20,000 रखा 3 years के लिए. अगर बस आप पीरियड 3 years लिख लो और शुरू कर दो ना, गए. पीरियड 3 years लिख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया, पी लिख लिया, अमाउंट हमको मिल जाएगा, चलो करो शुरू. अगर इस एंगल से जिसने अप्रोच कर लिया, अप्रोच मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, वो गया. क्योंकि आखिरी लाइन मैंने कहा ना, एक एक वर्ड आखिरी वर्ड तक क्वेश्चन मार्क जब तक नहीं आता तब तक पढ़ना होता है क्वेश्चन. तो उसने बोलने के लिए स्टार्ट में आपको कंफ्यूज किया, 3 साल के लिए उसने रखा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर 42 मंथ. मतलब उसने सोचा था यार 3 साल के लिए रख दूं, बट जैसे 3 साल यानी 36 मंथ हुए, उसके दिमाग में आया यार क्या करना है, अभी तो काम है नहीं, 6 महीने बाद काम है, क्यों ना मेरा FD एक्सटेंड कर दूं. तो उसने 36 मंथ में ना लाते हुए अपना FD और 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया. टोटल 42 मंथ का हिसाब देना है, कितना अमाउंट उसको मिला एट द एंड ऑफ 42 मंथ, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये 42 मंथ यानी क्या, 3 साल पूरे प्लस और 6 मंथ, यानी उसको आपको 36 मंथ यानी 3 years एंड 6 मंथ यानी 0.5, यानी पूरा हिसाब किताब आपको देना है 3.5 years में उसको कितना अमाउंट मिला, ना के 3 years में. तो क्वेश्चन ने जो 3 years स्टार्ट में बोला है, वो भी सिर्फ क्या बोला है, कंफ्यूज करने. क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन का मेन लाइन, आखिरी लाइन मेंशन है कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा 42 मंथ के बाद, यानी 3.5 साल के बाद. तो आपको अमाउंट निकालना है 3 साल का नहीं, 3.5 साल के बाद का. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का सबसे मजेदार ट्विस्ट. देने के लिए जानबूझकर उसने पहले 3 साल बोल दिया, लेकिन बाद में क्वेश्चन ने पूरा चेंज कर दिया कि बताओ अमाउंट एट द एंड ऑफ 42 यानी 3.5 साल बाद. तो जिसका अमाउंट आपको निकालने बोला है, जिस पीरियड का अमाउंट आपको निकालने बोला है आफ्टर 42 मंथ, फाइंड अमाउंट आफ्टर 42 मंथ, तो जिस पीरियड का अमाउंट आपको निकालने बोला है वो पीरियड आपके लिए रहेगा एक्चुअलिटी. वो 42 मंथ यानी वो 3.5 years रहेगा आपके लिए एक्चुअलिटी. पहले वाला टी सिर्फ क्या था, दिशा भूल करने के लिए क्वेश्चन ने दिया था. ठीक है, आपको डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन ने दिया था. तो बस ये 2 छोटे-छोटे ट्विस्ट थे. एक तो वैसे ही सेटल हो चुका है हाफ ईयरली, इग्नोर करो ये वर्ड को क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है. और दूसरा, पहला जो टी 3 years दिया उसको इग्नोर करो. क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड अमाउंट, व्हाट अमाउंट ही शुड गेट एट द एंड ऑफ 42 मंथ, तो उस पे अंडरलाइन करो 42 मंथ, यानी नया पीरियड हुआ 3.5 years. सो अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, PRT/100. पी कितना है, 20,000. आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13, और टी कितना है, 3.5. जिसने 3 लिया हो गया, 3.5 लेना था इस क्वेश्चन में मेन. सो बस सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200 इंटू 13 इंटू 3.5. सो 9
9100 ये मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3.5 इयर्स यानी 42 मंथ, बट क्वेश्चन ने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है. सो देयरफॉर अमाउंट रख दो यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 9100 यानी 29,100 इज द आंसर. 29,100 जहां भी दिख रहा है टिक कर दो ऑप्शन सी. So, इसी तरह अलर्ट रहो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. देखो मस्ट क्वेश्चन ये भी, अ सम वाज, लैंग्वेज समझो बस, अ सम वाज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट. चलो पहला तो क्वेश्चन ने बोल दिया एट अ सिंपल इंटरेस्ट. अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टन इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स. मतलब ये कोई तो प्रिंसिपल अमाउंट है, पहली सिचुएशन क्या है, कोई तो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने इन्वेस्ट किया, जो इन्वेस्ट किया वो प्रिंसिपल होता है, वो हमने इन्वेस्ट किया एट अ सर्टन इंटरेस्ट रेट. तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ सर्टन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फॉर टू इयर्स. चलो पीरियड तो डायरेक्ट मेंशन किया है, प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था पता नहीं, बट पीरियड डायरेक्टली मेंशन किया है टू इयर्स. आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट वुड हैव फेच रुपीज 60 मोर. मतलब उसको इट वुड हैव फेच रुपीज 60 मोर, मतलब उसको 60 रुपया और ज्यादा मिलता था. कब? हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 2% हायर रेट. अगर वो अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट किया ये 2% हायर रेट से इन्वेस्ट करता था. तो देख लो सेकंड सिचुएशन क्या हुई, पैसा उतना इन्वेस्ट करो बोल रहा है वो, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उतना ही करो, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया सेकंड सिचुएशन का, जो पहले सिचुएशन का इंटरेस्ट रेट था उससे 2% हायर इंटरेस्ट रेट, यानी जो पहले था आर उससे 2 ज्यादा. अगर ये 6 होगा तो 6+2, 15 होगा तो 15+2. जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट सिचुएशन का है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से बढ़ा दो, ये बन गया आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेकंड सिचुएशन. पीरियड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब पीरियड भी सेम 2 इयर्स. तो देखो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान है वो कुछ तो पी प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहा है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, ठीक है, ये है ओरिजिनल सिचुएशन, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको, अगर अगर वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा हायर चार्ज करता था, मतलब उसने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट सिचुएशन यानी ओरिजिनल सिचुएशन में अप्लाई किया था, ओरिजिनल बोलूंगा मैं इसको, तो न्यू सिचुएशन में अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ा लेता था तो सेम प्रिंसिपल पर, कुछ नहीं बोला है मतलब बाय डिफॉल्ट अगेन यहां पे यही चीज एज्यूम होगी कि अगर सिर्फ वो, क्वेश्चन ने चेंज सिर्फ किस में बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में. क्या चेंज बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अगर वो 2% से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता था तो सेम प्रिंसिपल पर सेम पीरियड के लिए उसको 60 रुपया ज्यादा मिलता था. मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट सेकंड से उसको मिलने वाला, जिसको मैं बोलूंगा सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू न्यू सिचुएशन माइनस सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू ओरिजिनल सिचुएशन, उसमें कितने का गैप बोल रहा है क्वेश्चन, 60 रुपए का. क्वेश्चन ने पहले ही सिंपल इंटरेस्ट का क्लियर हिंट दे दिया है, अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टन इंटरेस्ट रेट, मतलब ये पी इन्वेस्ट किया आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स.
इट वुड हैव फेच रुपीज 60 मोर, वो 60 रुपया और ज्यादा कमा लेता था. कमाई मतलब क्या? इंटरेस्ट. बराबर. इनकम मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट. ये चीज मैं सबसे फर्स्ट सेशन में बोला हूं कि अगर मैं किसी को 1000 दे रहा हूं, वो मुझे बदले में 1200 दे रहा है, तो मेरी कमाई 200 की है. उसने मुझे 1000 रिटर्न करके कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि वो 1000 मेरे ही थे, बट मेरी कमाई कितनी की है? 200 की, क्योंकि 1000 के बदले में 1200 मिला उसने मेरा पैसा जो यूज किया. ठीक है. तो इनकम यानी क्या? वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करता है अपनी प्रिंसिपल पर, जो एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके वो हमें रिटर्न कर रहा है, वो एक्स्ट्रा मार्जिन यानी इनकम. और इस एक्स्ट्रा मार्जिन को ही कहा जाता है इंटरेस्ट. तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वो 60 रुपया और ज्यादा कमा लेता था. कमा लेता यानी इनकम. इट वुड हैव फेच रुपीज 60 मोर. वो ज्यादा कमा लेता था 60 रुपया, ज्यादा इनकम उसको हो जाती थी 60 रुपया, यानी उसको 60 रुपया ये ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था. कमाई इनकम यानी इंटरेस्ट. उसको 60 रुपया ये ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था. कब? इफ Had it been invested at 2% higher rate. अगर वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो भी किया है, खैर वही कर, जो किया है वही कर, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2 से बढ़ा देता था, तो had it been invested at 2% higher rate. Higher मतलब increased rate. यानी जो है वो तो है ही, प्लस 2. जैसे मैंने कहा यहाँ 6 होता तो 6 प्लस 2, 15 होता तो 15 प्लस 2. तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो 2% से बढ़ा देता था, तो सेम पीरियड के लिए सेम प्रिंसिपल पर उसको 60 रुपया ज्यादा मिलता था. इन शॉर्ट, अब तक इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत देख चुके हो, लेकिन हर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इज दिस और एडिशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज दिस. ये क्लियरली मेंशन था, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन. ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा लैंग्वेज पे फोकस करो. यहां पर घूम फिर कर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इससे आप जितना कमा लेते थे यानी इंटरेस्ट, तो इससे जितना इंटरेस्ट आपको मिलता था और इससे जितना इंटरेस्ट मिलता था, ये वाला इंटरेस्ट इस वाले इंटरेस्ट से 60 रुपए से ज्यादा मिलता था. प्रिंसिपल तो खैर सेम है, पीरियड भी सेम है, सिर्फ आपने इस न्यू सिचुएशन में क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से बढ़ा दिया. तो इस 2 से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के चक्कर में आप 60 रुपया ज्यादा कमा लेते थे. 60 रुपया एक्स्ट्रा इनकम, 60 रुपीज ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा इनकम. मतलब जितना इधर से मिलना है उतना इधर से तो मिलना ही है, प्लस 60 मोर. इधर से 1000 मिलेगा तो इधर से 1000 तो मिलना ही है, प्लस 60 मोर यानी 1060. इधर से 5000 तो इधर से 5060. यानी इन शॉर्ट घूम फिर कर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा और यहां से जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों का डिफरेंस है 60 रुपया. सिर्फ ये वाली चीज क्वेश्चन ने बाकी क्वेश्चन की तरह डायरेक्टली ना बोलते हुए इस तरह से घुमा फिरा कर बोली है. इतना प्रिंसिपल, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतने के लिए कुछ तो मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट 2 से बढ़ा दो, बाकी सेम प्रिंसिपल सेम पीरियड से आपको 60 ज्यादा मिल जाएगा. इन शॉर्ट दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिया है 60. ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है? न्यू सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 2 से बढ़ा दिया है. इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस करते समय बड़ा माइनस छोटा हमेशा करना होता है ना, तो बड़ा कौन सा लिया है? न्यू सिचुएशन को. छोटा लिया है ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ हमें 60 ज्यादा मिल रहा है, यहाँ हमें ज्यादा मिल रहा है, तो बड़ा ये है माइनस छोटे का सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू न्यू सिचुएशन माइनस सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू ओरिजिनल सिचुएशन ORI इज 60. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही है P. अब ये न्यू की बात हो रही है, तो न्यू में पी क्या है? पी है. आर क्या है? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर प्लस 2. यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर प्लस 2% इंटू टी. टी क्या है? 2 years अपॉन 100 माइनस. अब ये ओरिजिनल की बात हो रही है, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है? पी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? आर ही है इंटू टी. पीरियड कितना है? 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 60. बस अब क्या कर लो, 2 और P कितना हुआ? 2P. 2P से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2P इंटू आर, 2PR प्लस 2P इंटू 2, 4P अपॉन 100. क्या क्या समझ में आया? 2 इंटू P, 2P. ठीक है, ये भारी भारी वालों का मैंने पहले एक्सटर्नल फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और ये 2P से एक एक चीज को ब्रैकेट में एडिशन है, तो मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को. सो 2P इंटू पहले दिस R, 2P इंटू R, 2PR प्लस अगेन दिस 2P. हा प्लस, इसलिए प्लस. दिस 2P इंटू 2, 2P इंटू 2, 4P अपॉन 100 माइनस अगेन 2PR अपॉन 100. ठीक है, अब देख लो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर को एक कर लो. सो 2PR
plus 4p minus 2pr upon 100 is equal to 60. ठीक है, सो देख लो 2pr minus 2pr, ये 2pr है पॉजिटिव, ये 2pr है निगेटिव, दोनों कैंसल हो गए, क्या मिला आपको, ऊपर बचा सिर्फ 4p अपॉन 100 इज इक्वल टू 60, सो 4p 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा 6000, सो p कितना मिला 1500, 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड, तो प्रिंसिपल मिला 1500। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है देख लेते एक बार फिर से, क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज द सम, 1500 इज द सम जो हमने इन्वेस्ट करनी है, फिनिश, ए इज द आंसर, ए इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था बट उन स्टूडेंट के लिए जिसने लैंग्वेज को क्लिक कर लिया। मैक्सिमम चीजें अजम्पशन से ही चालू हुई बट आप देख रहे हो सिर्फ टी पता था, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं पता था, बट सबसे मेन जो पता था वो ये वाली कंडीशन कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे आप 60 ज्यादा कमा रहे हो, मतलब दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 60, बाकी चीजें कैंसिल हो गई जो नहीं पता है। मेन जो आपको निकालना था पी वही आखिरी में बचा जो गया है 1500। तो यह प्रिंसिपल पी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पीरियड टू ईयर्स, सेम पी सेम टी बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से बढ़ गया और इसलिए दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस आया 60 का। फिनिश, सॉल्व किया आंसर सामने। लिख लो ये था क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन 24, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, सिर्फ पहले 4 साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ रुपीज 360 बिकम रुपीज 540। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी से फैमिलियर हो गए होंगे कि एक अमाउंट दूसरे में हो गया तो जो पहले आप इन्वेस्ट करते हो वो प्रिंसिपल है, बदले में जो आपको मिलती है वो अमाउंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कितने देख लिए, ठीक है, सो 360 किसी को दिया बदले में उसने 540 आपको रिटर्न किया, तो जो दिया वो प्रिंसिपल जो रिटर्न किया वो 540, मतलब आपको प्रिंसिपल मिल गया है 360, जो रिटर्न किया वो होता है हमेशा अमाउंट जो कि है 540। ठीक है, सो उसमें भी अब देखो क्या हो रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है सिंपल का, क्लियर कट क्वेश्चन ने सिंपल वर्ड यूज किया यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है स्टार्ट में, सो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर पहले 4 साल का ही, इफ सम 360 बिकम 540 इन 9 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर्स इज 6%, मतलब टोटल पीरियड क्वेश्चन कितनी की बात कर रहा है, टोटल पीरियड क्वेश्चन बात कर रहा है 9 ईयर्स की, बट इस 9 ईयर्स को दो टुकड़ों में क्वेश्चन ने जोड़ दिया है, फर्स्ट 4 ईयर्स, पहला पीरियड क्या दिया है आपको पहले 4 साल, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा पीरियड क्या हो जाएगा लास्ट 5 ईयर्स। ये 9 ईयर्स टोटल पीरियड है 9 ईयर्स, ये 9 ईयर्स के लिए एक जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई ना होते हुए, पूरे 9 ईयर्स पे एक जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई ना होते हुए फर्स्ट 4 ईयर के लिए कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, सेकंड 5 ईयर्स के लिए कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, कुल मिलाकर हो गए 9 ईयर्स। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे पीरियड मतलब टी है, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी क्या निकालना है हमें, R1 निकालना है, फर्स्ट 4 ईयर का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 आप निकालो, इफ द सम 360 बिकम 540 उससे हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया इन 9 ईयर्स,
इस पूरे 9 साल में यानी टोटल पीरियड 9 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर, ये जो लास्ट 5 ईयर है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बोल दिया है 6%। खत्म। क्या बचा इस क्वेश्चन में? टोटल पीरियड 9 ईयर्स पता है, ये प्रिंसिपल 360 बन गई। अगेन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बट पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो निकाल लो। 540 माइनस 360 180, तो इससे हमें मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया है टोटल 180। अब टोटल पीरियड 9 साल में आप 180 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कमा लेते हो, इनकम है आपका। ठीक है, इनकम यानी इंटरेस्ट। सो टोटल पीरियड 9 ईयर्स में आपको 180 इंटरेस्ट मिलता है। इतने से इतना हो गया, इससे हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया और उसको हमने यूज कर लिया इस फॉर्मूला में। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या मिला, एक्चुअल टोटल सिंपल इंटरेस्ट ₹180 फॉर दिस टोटल पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। बट इस 9 ईयर्स में एक जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई ना होते हुए इस 9 ईयर के दो टुकड़े हो गए, फर्स्ट 4 ईयर यानी 4 साल एंड लास्ट 5 ईयर यानी 5 साल। तो बस क्वेश्चन आपको लास्ट 5 ईयर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, फर्स्ट 4 ईयर का पूछा है। इसका मतलब पहली सिचुएशन से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे SI1 और दूसरी सिचुएशन से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे SI2, उससे हमें क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल तो हमें पता ही है 360। यहां पर भी प्रिंसिपल दोनों केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम है, पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है। और इसलिए क्वेश्चन की दो केस हो गई, फर्स्ट सिचुएशन जहां 4 साल पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, जो ही आपको निकालना है। सेकंड सिचुएशन जहां पीरियड 5 ईयर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। बट दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट, यहां से कुछ तो मिला, यहां से सेकंड से कुछ तो मिला, दोनों को जब मिला लिया तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, 180। ये क्या है, टोटल पूरे 9 साल का। ये जो भी आपको बोला है 360 हो गया, 360 प्रिंसिपल 540 में कन्वर्ट हो गया, ये पूरे कितने साल का हिसाब किताब है, 9 ईयर्स का। क्योंकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से पढ़ो तो आपको समझ जाएगा कि रुपीज व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर इफ सम ऑफ 360 बिकम 540 इन 9 ईयर्स। लैंग्वेज ठीक से पढ़ो तो आपको वही क्लियर हो गया, ये 360 540 में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा हिसाब किताब कितने साल में हो रहा है, 9 साल में। ये पूरा कन्वर्जन हो रहा है 9 साल में। तो ये जो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट, ये 360 प्रिंसिपल 540 अमाउंट दोनों को माइनस करके जो इंटरेस्ट मिला है ये आपको टोटल मिला है। ये टोटल आपको कैसे मिलेगा, पहले 4 साल से कुछ तो इंटरेस्ट मिला होगा प्लस अगले यानी लास्ट 5 ईयर से कुछ तो इंटरेस्ट मिला होगा, दोनों को मिलाकर 180। फॉर्मूला पी, ठीक है, प्रिंसिपल तो खैर क्वेश्चन ने कुछ अलग अलग मेंशन नहीं किया है तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, पीरियड अलग है, इसलिए R1T1। दूसरे सिचुएशन का भी प्रिंसिपल तो वही है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड अलग है, इसलिए R2T2। 100 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन। सो देखो P360 रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 निकालना है इनटू 4 प्लस जो हुआ पहला P360 रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 आपको दिया है 6 और पीरियड है 5। ठीक है ना, सेकंड पीरियड कितना है 5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, सिर्फ फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना है। तो 100 मैं यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 कैंसिल, 100 यहां भी मल्टीप्लाई किया, 100 कैंसिल और यहां भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 18,000 180 × 100। मतलब पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, यहां मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देख लो क्या बन गया, अब 360 देखो दोनों जगह, तो 360 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे यहां क्या मिला, 4R1। ठीक है, यहां मुझे मिला 4 × R1 क्योंकि 360 बाहर आ गया, प्लस यहां से भी 360 बाहर आ गया तो यहां क्या मिला, 30 = 180 00। सो बस 4R1 प्लस 30 ये वो पूरा ब्रैकेट एज इट इज 360 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेगा। सो 18,000/360 00 कैंसिल, सबसे पहले मैं 18 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो 18 × 1 = 18 और ये 00 एज इट इज, ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो गए। नाउ 18 × 1 = 18 और ये दो जीरो एज इट इज, उसी तरह 18 × 2 = 36 सो 100/2 = 50। तो आपको क्या मिला, 4R1 + 30 = 50। नाउ 4R1 + 30 है, उधर गया माइनस हो गया, सो 50 − 30 = 20 सो R1 = 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर लो, खत्म। 20/4 = 5% फिनिश, लिख लो।
क्या टफ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, एक प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल ही वो अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो ये प्रिंसिपल है, ये इतना बन गया, बट ये इतना पूरा जुगाड़ हुआ है 9 साल में टोटल पीरियड, तो इसलिए इससे आपको टोटल जो दोनों के सब्सट्रैक्शन से जो अमाउंट मिली है सिंपल इंटरेस्ट की, वो पूरे 9 साल के लिए है, बट इस 9 साल में इस तरह से हुआ है, पहले 4 साल का अलग, अगले 5 साल का अलग, तो इससे कुछ सिंपल दोनों को मिलाकर टोटल 180 कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पी यानी 360 कॉमन लिया, उसको उधर डिवाइड कर दिया, जो चीज निकालना है R1 धीरे धीरे उसको अकेला किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 25th। सो क्वेश्चन नंबर 25, डिवाइड ₹6,000 इन टू पार्ट्स, मतलब टोटल अमाउंट 6,000 है, उसके हमें दो टुकड़े करने हैं इन टू पार्ट्स, सो ये फर्स्ट ये सेकंड, सो डिवाइड ₹6,000 इन टू पार्ट्स सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट फॉर द टू ईयर, ये फर्स्ट पार्ट जिसका आपको पीरियड बोल दिया है टू इयर्स एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे दिया है फर्स्ट, इसलिए मैं इसको T1 R1 बोल रहा हूं, मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर थ्री ईयर, सेकेंड पार्ट का भी सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर थ्री ईयर्स, मतलब इसका सेकेंड पार्ट इसलिए T2 पीरियड दे दिया 3 ईयर्स एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया है सेकेंड पार्ट, इसलिए R2 8%। तो देखो क्वेश्चन ने मेन क्या बोला है कि इस टोटल अमाउंट 6,000 को दो टुकड़े करो, डिवाइड करो, इस तरह से डिवाइड करो कि पहले पार्ट पे जब मैं 2 साल के लिए 6% से सिंपल इंटरेस्ट निकालू तो वो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट मुझे एग्जैक्ट सेम मिले दूसरे पार्ट के 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3 साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला इससे। तो ये वो मेन कंडीशन है जिसके बदौलत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 6,000 को इस तरह दो पार्ट में कन्वर्ट करो, दो टुकड़े करो, जिससे फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सेम हो जाए। और फर्स्ट पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मतलब टी आपको दे दिया है, आर आपको दे दिया है, पी नहीं पता तो उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं ₹1। सेकंड पार्ट का भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो टी आर दे दिया है, पी आपको नहीं पता तो पी क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड 6,000 - x। या गलती से वाई मत कर लो या x1 x2 मत कर लो, यहां आप एक स्टैंडर्ड एज्यूम कर सकते हो कि टोटल पार्ट आपको डिवाइड किसमें करना है, 6,000 को ही करना है, मतलब 6,000 में से ऐसा भी हो सकता है मैंने 1,000 5,000 फर्स्ट इसमें 1,000 इन्वेस्ट किया इस स्कीम में, ये स्कीम ही है ना, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए, ये क्या है एक स्कीम है, दूसरी स्कीम क्या है 3 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये हमारे लिए दोनों क्या है स्कीम, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम में मुझे ये 6,000 इन्वेस्ट करना है थोड़ा थोड़ा, तो हो सकता है मैं 1,000 यहाँ करूँ, 5,000 यहाँ करूँ या 3,000 करूँ, बट जिस भी तरह से करूँ, क्वेश्चन की मेन कंडीशन क्या है, जिस भी तरह से करूँ टोटल दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट से और सेकंड से वो इक्वल आ जाए, यानी वो ये मेन कंडीशन है। अब दोनों का R1 T1 R2 T2 दे दिया था, प्रिंसिपल नहीं पता तो मैंने पहले का तो x एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, 6,000 में से x अगर मैं यहां इन्वेस्ट कर रहा हूं तो यहां कितना इन्वेस्ट करूंगा 6,000 - x,
टोटल अमाउंट जो मुझे इन्वेस्ट करना है टोटल, वो तो 6000 ही है, तो उसमें से एक्स अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या बच गई, 6000 माइनस एक्स। अगर यहाँ पे 1 कर रहा हूं तो यहाँ 5 आएगा, 5 कैसे आया, 6 माइनस 1। यहाँ पे अगर मैं 3000 कर रहा हूं तो यहाँ भी 3000 आएगा, यहाँ भी 3000 कैसे आएगा, 6000 माइनस 3000। तो जो टोटल अमाउंट है 6000, उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, आपको मिलेगा सेकंड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट स्कीम की इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट में से, टोटल 6000 में से आपको मिलेगा सेकंड स्कीम की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दो दो वेरिएबल एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जब जब टोटल इन्वेस्टमेंट दो टुकड़ों में डिवाइड हो रही है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसी तरह अजम्पशन बनेगा। और आई थिंक ये हमने फर्स्ट सेशन में किया भी इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो R1T1 R2T2 दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट 6000 के हमें दो टुकड़े करना है। तो पहला मैंने ले लिया x, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट बन जाएगा 6000 माइनस x, 6000 में से x छोड़कर जितना भी बचा उतना, क्योंकि x इधर आ गया तो 6000 में से x छोड़कर जितना भी बचा वो इतना। और क्वेश्चन की मेन कंडीशन, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। सो P1 R1T1 upon 100 शुड बी इक्वल टू P2 R2 T2 upon 100। ये है फॉर्मूला, P1 x R1 2 6 R2 2 upon 100 P2 6000 minus x R2 8 T2 3 upon 100। सो ले लो 100 100, तो वही कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 into 2 12x, 8 into 3 24। अब देखो ये बाहरी दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 into 3 24। अब 24 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, 20 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, 24 into 6000 144000। ठीक है ना, क्योंकि ये 24 ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तो 6000 into 24 144 माइनस 24 into x 24x। अब माइनस x इधर ले लो, प्लस हो जाएगा x x x साइड में, सो माइनस 24 इधर आया, प्लस हो गया 12x प्लस 24x 36x हो गया। सो x इज इक्वल टू 144 upon 36। क्या बचा, 18 का टेबल आपको याद होना जरूरी है, 18 8s are 144 होता है, सबको पता है अगर टेबल याद होगा तो, और ये 3 0 एज इट इज, 8000 upon 2 4000 इज द आंसर। तो वो दो पार्ट क्या निकले, पहला पार्ट निकला, फर्स्ट पार्ट इज 4000, एक्स जो आया वो है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यानी एक्स मैंने कहा बोला है फर्स्ट पार्ट में, तो दूसरा पार्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 6000 minus 4000 2000। सो 4000 comma 2000 इज द आंसर। 6000 के आपको दो पार्ट करने बोले थे, वो दो पार्ट कौन सा आया, पहला पार्ट मैंने ले लिया x, तो दूसरा पार्ट बाय डिफॉल्ट हो गया 6000 माइनस x। तो पूरा मेन कंडीशन थी ये, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, उससे हमारा x निकला 4000, तो पहला पार्ट आ गया 4000, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 6000 minus 4000 2000। तो पहले स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया 4000, दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट किया 2000, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड अलग अलग है, ठीक है, बट दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम आ गया। ठीक है, पहली स्कीम जिसमें पीरियड 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, उसमें मैंने 4000 इन्वेस्ट किया, और दूसरी स्कीम जिसमें पीरियड ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, उसमें 2000, 6000 minus 4 2000। तो उस चक्कर में क्या होने वाला है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम आने वाला है। तो बस उस 6000 के दो टुकड़े हमें मिल गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, खत्म। लिख लो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सिंपल क्वेश्चन, अब आप देख ही रहे हो, कुछ नहीं है, वही वही चीजें सब चल रही है, वही फॉर्मूला सब चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, संजय बोरोड ₹900 एट 4% पर एनम। संजय ने पहले बोरो किया ₹900 एट
4% पर एनम एंड रुपीज 1100. पहली इन्वेस्टमेंट संजय की है. संजय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 900 रुपया. इन्वेस्टमेंट भी नहीं, उसने बोरो की है, मतलब उसने उधार लिए किसी से. तो उसने जिससे भी उधार लिए वो 900 लिए और सामने वाले ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अप्लाई किया उस पर 4%. संजय को और पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने और किसी और से 1100 इन्वेस्ट नहीं उधार लिए है एट 5% पर एनम. ठीक है, तो संजय को अर्जेंसी है पैसों की. संजय ने क्या किया, पहले किसी एक इसके फ्रेंड के पास गया, 900 रुपया उससे उधार लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से. उसको और पैसे लगने वाले हैं तो उसने 1100 भी और उधार लिया अपने दूसरे किसी फ्रेंड से, बट उसने उसको अप्लाई किया है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम ड्यूरेशन. मतलब इन दोनों का ड्यूरेशन क्या है, सेम. यानी यहां पर पीरियड अगर टी है तो यहां पर भी पीरियड क्या है, टी, सेम ड्यूरेशन. ठीक है, तो इसलिए मैंने पीरियड को, ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग अलग है, इसलिए यहां पे R1, R2, P1, P2, बट क्वेश्चन ने क्लियर बोला अंडरलाइन करो सेम ड्यूरेशन. तो इसलिए यहां पे T1, T2 लेने की जरूरत नहीं. यहां पर भी पीरियड टी, यहां पर भी पीरियड टी. ही हैड टू पे रुपीज 364 इन ऑल एज इंटरेस्ट. अब मुझे बताओ, उसने उधारी ली है तो डेफिनेटली उसमें कुछ इंटरेस्ट पे करेगा वो. तो क्वेश्चन ने पहली स्कीम का इंटरेस्ट या दूसरी स्कीम का इंटरेस्ट अलग से ना देते हुए टोटल इंटरेस्ट बोला. ही हैज टू पे टोटल, यानी पहले स्कीम में कुछ तो उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ा अपने पहले दोस्त को, और दूसरी स्कीम में उसको कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ा अपने दूसरे फ्रेंड को. और क्वेश्चन बोल रहा है ही हैड टू पे रुपीज 364 इन ऑल. इन ऑल मतलब क्या, टोटल, मतलब ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों मिलाकर इन ऑल उसने रुपीज 364 पे किया है एज अ टोटल इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये 364 क्या है इस क्वेश्चन में, टोटल इंटरेस्ट. फिनिश. थोड़ा इससे दोनों मिलाकर 364 उसने पे किया, यानी पहले का इंटरेस्ट प्लस दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट इज 364. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड इन द इयर्स. बस ये टी पीरियड आपको निकालना है. अब ये क्वेश्चन मत पूछना सर ये टी, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर मेंशन कर दिया है दोनों का टाइम पीरियड सेम ही है फॉर सेम ड्यूरेशन. पहले दोस्त से जितना लिया है उतने ही ड्यूरेशन के लिए दूसरे दोस्त से लिया है. ये एक होगा तो ये भी 1 साल, ये 5 साल होगा तो ये भी 5 साल. ठीक है, तो टी तो एक ही निकलेगा. बट हाँ, क्वेश्चन की मेन हिंट क्या है जिससे हमें सॉल्व करना है, अब दोनों से जो इंटरेस्ट मिला है, दोनों को जो इंटरेस्ट उसे देना है, इस बार संजय बोरो कर रहा है, मतलब इस बार संजय को इंटरेस्ट मिलने नहीं वाला है, उसने उधार लिए है तो उसको इंटरेस्ट देना है. तो दोनों को मिलकर जो इंटरेस्ट देना है इन ऑल वो है 364. आप बोलोगे सर सिंपल ही क्यों लिया आपने, क्योंकि ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है मतलब बाय डिफॉल्ट वो सिंपल का है. तो ले लो फॉर्मूला P1 R1 T तो सेम है अपॉन 100 प्लस P2 R2 T अपॉन 100. मल्टीप्लाई कर दो या फिर सीधा 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल. सो 4 × 9 36T प्लस 55T इज इक्वल टू 364. सो ये कितना हुआ 91T इज इक्वल टू 364. सो टी इज इक्वल टू 91, हम डिवाइड कर लेगा उधर जगह तो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है. ठीक है, सो देख लो, वैसे तो देखो 91 का 4 गुना, 91 का 4 times 364 होता है, लेकिन अगर वो लॉजिक आप तुरंत नहीं लगा पाए तो कम से कम 91 किसके टेबल में आता है आपको पता है, 13. सो 13 7s आर 91, 13 2s आर 26, 36 में से 26 गए बचे 10, 10 पे 4 का कैरी किया. ठीक है ना, 13 से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं तो ये हुआ 13 7s आर 91, 13 2s आर 26, 10 बचे डिफरेंस और उस पे 4 कैरी किया 104, तो 13 8s आर 104. सो 28/7 4 years. खत्म, दिस इज द आंसर. सो दोनों दोस्तों से उसने जितना भी लिया, 1 से 900, 1 से 1100, 1 से 4% पे, 1 से 5% पे, ठीक है, वो कितने ड्यूरेशन के लिए लिया, क्वेश्चन ने सेम ड्यूरेशन बोला था और वो ड्यूरेशन निकला 4 years. तब जाकर उसने इन ऑल यानी टोटल दोनों को मिलाकर 364 पे किए 4 साल के.
ठीक है। सो देखो दोस्तों, इस शीट का, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही छोटा इजी क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू इक्वल सम्स वेयर बोरोड, मतलब अगेन यहाँ पे दो सिचुएशन हो रही है, टू सम्स यानी दो सिचुएशन। पहले इसमें क्या सम है, पहले इसमें भी अगर मैं प्रिंसिपल जो हम बोरो कर रहे हैं वो मैं पी मान लू, तो दूसरे इसमें भी आपको प्रिंसिपल क्या मानना होगा, पी ही। दो अलग अलग लोगों से मैं कुछ पैसा बोरो कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्लियरली मेंशन किया है, चाहे तो अंडरलाइन कर लो, टू इक्वल सम्स, दो इक्वल सम हम बोरो कर रहे हैं। मतलब अगर मैं यहां पे मान लू मैं पी रुपीज बोरो कर रहा हूं, तो यहां पर भी बाय डिफॉल्ट मुझे पी ही मानना होगा, तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा क्योंकि दोनों से मैं इक्वल सम ले रहा हूं। सो जो सम मैं बोरो कर रहा हूं वो हो गया पी दोनों जगह। एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने क्लियर सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है, वो भी कितना, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 8%, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 8%। सो देखो सम भी इक्वल है, पी पी दिया नहीं इसलिए मैंने पी एज्यूम कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट बोला है 8% दोनों जगह, पर एनम फॉर 2 years एंड 3 years, सिर्फ पीरियड अलग है, यहां पे पीरियड है 2 years, यहां पीरियड है 3 years। द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट वॉज ₹56। इन दोनों से, फर्स्ट सिचुएशन से देखो पी आर तक सेम था, अगर पीरियड भी सेम रहता था तो कोई डिफरेंस की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली अब डिफरेंस रहेगा क्योंकि पी पी सेम है, आर आर सेम है, लेकिन पीरियड अलग है, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अलग रहेगा। अब दोनों का पी आर सेम है तो डेफिनेटली ज्यादा इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जो ज्यादा पीरियड के लिए रख रहा है, बराबर। दोनों का पी सेम है, आर सेम है, तो ज्यादा इंटरेस्ट किसको मिलेगा, बाय डिफॉल्ट सेकंड सिचुएशन में, क्योंकि उसका पीरियड ज्यादा है, 3 साल के लिए रख रहा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ये सिर्फ 2 साल के लिए रख रहा है तो कम, या फिर ऐसा बोलो बोरो कर रहा है, इसका मतलब ये 3 साल के लिए उधारी ले रहा है तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा, ये 2 साल के लिए ले रहा है, बोरो कर रहा है तो उसको कम देना पड़ेगा। मतलब घूम फिर कर सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा किस सिचुएशन का आएगा, सेकंड, क्योंकि देखो हमें डिफरेंस लेना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब जब ऐड करना होता है हम सोचते नहीं है SI1 प्लस SI2 बोलो या SI2 प्लस SI1 बोलो, जब जब ऐड करना होता है मैं इतनी बातें आपसे करता भी नहीं हूं। जब आपको बोला होता है टोटल इंटरेस्ट इतना है तो SI1 प्लस SI2 इतना, टोटल इंटरेस्ट इतना है तो इंटरेस्ट ऑफ अमर प्लस इंटरेस्ट ऑफ अकबर प्लस इंटरेस्ट ऑफ एंथनी इतना, एडिशन में हम नहीं सोचते क्योंकि एडिशन में 2 + 5 बोलो तो भी 7 आएगा, 5 + 2 बोलो तो भी 7 आएगा, इसलिए एडिशन में हम SI1 बोलो, SI1 प्लस SI2 बोलो या SI2 प्लस SI1 बोलो, फर्क नहीं पड़ता। बट जब जब डिफरेंस डिफरेंस सब्सट्रैक्शन की बात होगी तो बड़ा कौन है छोटा कौन है देखना होगा, क्योंकि 7 - 2 = 5 होता है, बट 2 - 7 - 5 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोनों के इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बट पीरियड अलग है, तो दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है 56। डिफरेंस है मतलब हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना होगा, तो ये पॉजिटिव डिफरेंस आया है, क्वेश्चन ने डिफरेंस क्या दिया है, पॉजिटिव 56। तो पॉजिटिव डिफरेंस तभी मिलता है जब बड़ा माइनस छोटा करो, ठीक है। तो ये है वो कंडीशन जो हमें सॉल्व करना है, लेकिन अब बड़ा माइनस छोटा देखने के लिए अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट उसी का बड़ा होगा जो ज्यादा पीरियड के लिए रख रहा है या फिर जो ज्यादा पीरियड के लिए ले रहा है, ठीक है। बोरो करो या इन्वेस्ट करो, लो या दो, उससे फर्क नहीं पड़ना है। मुझे बोलना क्या है खास, कि वो जो ज्यादा पीरियड के लिए ले रहा है या दे रहा है, डेफिनेटली उसका सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो, ये सेम है तो ये लॉजिक लगेगा कि भाई ये दोनों सेम है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट उसी का ज्यादा रहेगा जो ज्यादा पीरियड के लिए है, ठीक है। तो ज्यादा पीरियड ये है इसलिए मैंने SI2 बोला है, सेकंड सिचुएशन का सिंपल इंटरेस्ट माइनस SI1, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बस P आपको पता नहीं है इसलिए एज इट इज, बट दोनों का सेम है, R T सेकंड का है, सेकंड का है तो सेकंड का T कितना है, T 2 3 upon 100 माइनस SI1। अब 1 का देख लो, P तो दोनों का सेम है, R भी सेम है, 1 का पीरियड है यानी T है 2 upon 100, खत्म। अब 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 8 × 3 = 24 P माइनस 8 × 2 = 16 P। अब ये 100 100 यहां अगर मैं थ्रू आउट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 100 कैंसल, बट 56 × 100 = 5600। बस 24P - 16P = 8P = 5600,
दोस्तों आंसर आ गया है 5600, 8 उधर जाएगा, डिवाइड कर लेगा, 700 इज द आंसर, फिनिश। तो पी क्या बना, 700। ये तो पूछा था आपको, क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपको, द सम बोरोड वेयर, दोनों ने तो सेम ही बोरो की है, ठीक है, जो हमने पी ली थी और वो पी का ही आंसर आया 700, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ नई चीज आपने क्या सीखी, डिफरेंस बोला था, बट बड़ा डिफरेंस किसका आएगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर ये दोनों सेम है तो बड़ा डिफरेंस उसी का आएगा जिसका पीरियड, मतलब बड़ा इंटरेस्ट उसी का आएगा जिसका पीरियड ज्यादा है, ठीक है। तो पीरियड ज्यादा था सेकंड सिचुएशन का, इसलिए बड़ा डिफरेंस SI2, बड़ा वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू SI1 इज पॉजिटिव 56। एडिशन में आप बिंदास SI1 प्लस SI2 लिखो या SI2 प्लस SI1 लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिफरेंस जब जब क्वेश्चन देगा वो भी पॉजिटिव डिफरेंस, तो पॉजिटिव डिफरेंस तभी मिलेगा जब बड़ा माइनस छोटा आप करोगे। तो उस केस में आपने लॉजिक लगाना है कि बड़ा ये सिचुएशन है या ये, वही लॉजिक मैंने यहां लगाया। तो पी और आर सेम है, तो जिसका पीरियड बड़ा उसका वैल्यू बड़ा इंटरेस्ट का, इस केस में सेकंड सिचुएशन का इंटरेस्ट बड़ा है, फर्स्ट का छोटा, इसलिए SI2 माइनस SI1 इज 56। सॉल्व किया, आंसर मिल गया। ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना कर लो, ये लैंग्वेज को समझ जाओ, ये फॉर्मूलाज को समझो, इनफ है। मैंने कहा है पूरा फॉर्मूला बेस्ट टॉपिक है, और आपने खुद ने भी देखा कि फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन हमने बस फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन बहुत बार आपने समझना है यहां पर तो लैंग्वेज कि सिंपल कंपाउंड किस तरह से एडिशन दे रहा है, सब्सट्रैक्शन दे रहा है, क्या कंसेप्ट क्या यूज करने बोल रहा है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस दिया है, कहीं एडिशन दिया था, कहीं इक्वेलिटी दी थी, बस वो चीज आपको क्लिक हो गई ना, आगे सब काम फॉर्मूला कर देगा, फिर वो सिंपल का क्वेश्चन हो चाहे कंपाउंड का हो, ये चीज आपने खुद ने देखी, ठीक है। और सिर्फ कंपाउंड में जो मैंने कहा अलर्टनेस जहां जहां जरूरी है वहां पे फोकस करो, हाफ ईयरली ईयरली, सिंपल में फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड में पड़ेगा, क्लियर। तो ओवरऑल ये है छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पढ़ो, कोई भी डाउट है लेके आओ। गुड डे।